नमस्कार। 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 प्रणाम। विधानसभा खड्डा, 4 लाख जनता को शीश झुका कर करके हृदय की गहराइयों से प्रणाम करता हूँ। शनि धाम रामपुर गुन्हा भगवान शनि के और बजरंग बली हनुमान नीम करोली बाबा की स्थापना का वो स्थल के संपूर्ण आशीर्वाद से मैं अपने भगवान बजरंग बली और नीम करोली बाबा से अनुरोध करूंगा, आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा उनकी चरणों में सत सत बार प्रणाम करते हुए कि विधानसभा खड्डा की 4 लाख जनता के किसी भी प्रकार की कभी भी कहीं पर भी किसी भी तरह से उनको दुख न पहुंचे, उनकी जिंदगी में सुख समृद्धि प्यार अपनापन और एक दूसरे के साथ वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः और एकात्म मानववाद की परिकल्पना अंतिम व्यक्ति के लिए लड़ने की जोश ऊर्जा उत्साह गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए खड़े होने की जज्बा विधानसभा खड्डा के लोगों के बीच में हर्षोल्लास उल्लास के साथ प्रवाह करे। रामपुर गुना शनि धाम नीम करोली बाबा रामपुर गुना का धाम बजरंग बली हनुमान जी का धाम की अनुकंपा विधानसभा खड्डा की 4 लाख जनता के ऊपर हमेशा से उनका आशीर्वाद उनका प्यार उनका छांव पड़ता रहे। मैं सबसे पहले फिर एक बार अपने 4 लाख जनता उसमें से उस जिन लोगों ने भी अपने प्यार से जिन लोगों ने भी अपने भावना से बेग से संवेग से उद्बोधन से हमें प्रेरित किया उन सभी लोगों को शीश झुका कर करके प्रणाम। देश के संविधान के अनुसार देश की संवैधानिक परंपरा के अनुसार आपका दिया हुआ अधिकार आप के दिए हुए अधिकार में अब कुछ ही दिन शेष है। और मैं अपने आप आपको सौभाग्यशाली मानता हूं, महसूस करता हूं, अपने आप को मैं सौभाग्य मानता हूं कि हिंदुस्तान के 80 जिलों, उत्तर प्रदेश के 8 जिले और 8 जिलों में जो अति पिछड़े जिले हैं उन अति पिछड़े जिलों में कुशीनगर जिले के अति पिछड़े इलाके में काम करने का मुझे अवसर मिला। मैं उन सभी अपने खास तौर पर
नदी के उस पार रहने वाले लोगों का। महदेवा सालिकपुर नौतार और छितौनी और पनियावा बोधी छापर भगवानपुर अहिरौली और भैसहा और हनुमानगंज मैं सभी गांव का नाम मैं ले सकता हूं। इतना आप सब लोगों ने प्यार दिया है कि मैं सभी गांव का नाम ले सकता हूं। मैं खास तौर पर विशेष तौर पर दलित समाज, मुसहर समाज, राजभर समाज, बेलदार समाज, पासवान समाज, शर्मा समाज, यादव समाज और मुसलमान भाई भी, मुस्लिम भाई भी, कुशवाहा समाज, जायसवाल समाज, रौनियार, प्रजापति, कुंभार, शर्मा, डॉक्टर्स, वकील, अध्यापक, मछुआरा, मल्ला समाज, आप सब लोगों का मैं किनका किनका नाम लूं, निषाद भाइयों से लेकर करके अति पिछड़ित ओबीसी पिछड़ा वर्ग का मैं शीस झुका कर करके एक बार पुनः आपके चरणों में जटाशंकर त्रिपाठी का अभिनंदन। जटाशंकर त्रिपाठी का आपके दिया हुआ, आपके द्वारा दिया गया ये सौभाग्य का अंतिम समय 31 मार्च तक आपके पास पड़ा हुआ है। संवैधानिक व्यवस्था का अंश का कुछ ही दिन जो आपने मुझे दे रखा है उसका कुछ ही दिन आपके पास है और ये जटाशंकर उसके बाद भी, ये जटाशंकर ध्यान रखिएगा कि मैं जटाशंकर त्रिपाठी नहीं कह रहा हूं, ये जटाशंकर जो किसी न जाति का है, न किसी धर्म का है, न किसी मजहब का है, न किसी वर्ग का है, सिर्फ अगर है तो किसी का है तो गरीब का है, चाहे वो किसी भी जाति का गरीब हो, चाहे वो किसी भी गरीब जाति का समाज का हो, तो मैं सिर्फ अगर हूं तो गरीब का हूं। और ये जटाशंकर त्रिपाठी, त्रिपाठी सब फिर मैं लगा रहा हूं और फिर मैं हटा रहा हूं, ये जटाशंकर त्रिपाठी आज के बाद से पूरे दुनिया के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए संवैधानिक परंपराओं के से अलग, संवैधानिक परंपराओं के बारे में मैं कानूनी जानकार नहीं हूं, लेकिन आज के बाद से सिर्फ जटाशंकर के नाम से, जटा बाबू के नाम से जाना जाऊं तो शायद विधानसभा खड्डा की 4 लाख जनता का मेरा असीम प्यार, अभूतपूर्व प्रेम और आपका प्रवाह हमारे कण कण में हमें ऊर्जा देता रहेगा अगर आज के बाद से मुझे सिर्फ जटाशंकर के नाम से जाना जाए। आपके दिए हुए संवैधानिक अधिकारों के कुछ ही दिनों के बाद 31 मार्च के मे के बाद नई शपथ ग्रहण की परंपरा की शुरुआत अप्रैल में होगी, उसके पहले तक हम समय संवैधानिक परंपराओं से आप मुझे दूर कर देंगे, लेकिन संवैधानिक परंपराओं से आपने दूर किया है, एक विधायक को दूर किया है, आपका सेवक, आपका बेटा, कभी कोई भाई भी किसी से दूर होता है क्या? आपके बगल में अगर कोई आपका भाई है, जो आपका छोटा भाई है या बड़ा भाई है, वो आपसे दूर हुआ है क्या? आपका चाचा, आपका ताऊ, आपका काका, आपका पिता और आपका बेटा और किसी बहन का भाई और किसी आपके क्षेत्र का मामा कभी दूर हुआ है क्या? कभी कोई दूर हुआ है? कभी कोई आपका छोटा बड़ा कोई भी आपसे दूर हुआ है क्या? तो अगर वो दूर नहीं हुआ है
तो आपसे आपका विधायक केवल दूर हुआ है, जटाशंकर आपका भाई, आपका सेवक, आपका ये कभी नहीं दूर हुआ है, न कभी दूर होगा, न कभी दूर होगा। शनि धाम रामपुर गुनहा, भगवान शनि और नीम करूरी बाबा और बजरंग बली की का आशीर्वाद विधानसभा खड्डा और जिला कुशीनगर के लिए, जैसे अभी तक नए मॉडल जो बने हैं उसी तरह से वह भी एक नया मॉडल बनेगा और उस इलाके में रोजगार, टूरिज्म, जिस तरह से शनि सिकड़ा, जिस तरह से नीम करोरी बाबा और बजरंग बली के तमाम सारे स्थापित भाव पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह फैले हैं, हम कोशिश करेंगे, हम आप सब लोगों से, जिला कोसी नगर के सभी जन जन से मैं कोशिश करेंगे कि नेपाल और बिहार के बॉर्डर पर स्थित यह मंदिर दुनिया के लिए एक स्वर्णिम काल बने। लोग विधानसभा खड्डा को शनि धाम रामपुर गुन्हा के नाम से जाना जाए, पहचाना जाए। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि कहीं से भी आपको यह नहीं लगना चाहिए कि वंचित, दलित, शोषित, गरीब 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 महात्मा गांधी का धैर्य, महात्मा गांधी का अटूट विश्वास और दीनदयाल उपाध्याय जी की एकात्म मानववाद की संकल्पना मेरे खानदान में, मेरे घर में कूट कूट करके भरी हुई है। इसलिए जिला कुशीनगर में और शनि धाम रामपुर गुन्हा में हमारा कार्यालय होगा, हमारा घर होगा, हम आपके पास अपने वंचित समूहों के लिए, गरीब से गरीब लोगों के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए खून की एक एक कतरा बहा दूंगा, लेकिन विधानसभा खड्डा के विकास के किसी भी मायने में, चाहे मैं एक विधायक की हैसियत से नहीं, लेकिन एक भाई की हैसियत से, एक सेवक की हैसियत से, और विकास के जो सोपान हमने अपने 30 वर्षों की तपस्या से जो संगठित किया है उसे मैं कभी कमजोर नहीं होने दूंगा। यह इतिहास रहा है कि देश आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है, और क्या 75 वर्षों के इतिहास में अब तक हमारी पार्टी के इतर बहुत सारे विधायक बने, क्यों नहीं लोगों को यह ख्याल आया, क्यों नहीं लोगों की संवेदनाएं जगी, क्यों नहीं लोगों की भावनाएं जगी, क्यों नहीं उनकी आत्मा रोई कि नदी के उस पार के गांव को जोड़ने के लिए पीपा का पुल होना चाहिए, क्यों नहीं लोगों की आत्माएं जगी। छितौनी नगर पंचायत, चीनी मिल बंद होने के बाद तमाम सारी सरकारें जो हमारी विपक्ष में रहती है उनके अंदर क्यों नहीं ये आत्मा के अंदर ये जुझारूपन, ये जोश, ये जज्बा क्यों नहीं बाहर निकल करके आया। बनियावा का इको टूरिज्म, बिहार बॉर्डर के सटे सारे गांव को एक जिला, एक तहसील, एक ब्लॉक में जोड़े जाने की कल्पना को मूर्त देने की बात, और 75 वर्षों से सीमावर्ती क्षेत्र विकास के कार्यक्रम का एजेंडा, सीमावर्ती क्षेत्र विकास के कार्यक्रम की योजना देश के इतिहास में विपक्षी पार्टियों ने आज तक उनकी मन मरमाहत क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं उनका मन मरमाहत हुआ कि सिद्धपीठ बघई धाम को, क्यों नहीं मन उनका मरमाहत हुआ कि सिद्धपीठ बघई धाम को इको टूरिज्म की दिशा से आगे ले जाकर करके
विधानसभा खड्डा को विश्व पटल पर खड़ा किया जा सकता है, उस धरोहर को पर्यटक केंद्र बनाया जा सकता है, क्यों नहीं किसी के अंदर ये दाहत आई? क्या इसके पहले सरकारी नहीं होती थी? क्यों नहीं किसी को 75 वर्षों से याद आया कि राजा पाकर से बिजली की व्यवस्था के लिए एक विद्युत उपकेंद्र बनाया गया, 90 किलोमीटर से मुझे विद्युत मिलता था? क्यों नहीं किसी को अंतरात्मा जगी? मैं पूछना चाहता हूं लोगों से, क्यों नहीं हमारे गरीब लोगों को बिजली का प्रकाश देने में उनको दर्द महसूस हो रहा था? मैं अपने भारतीय जनता पार्टी का, मैं और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, अपने महान गुरु, महान चालक के आदरणीय अमित शाह जी, उनके साथ जुड़े उनके, हमारी आत्मा, हमारी भावना, हमारे यूं कहें तो राजनीतिक दोराचार, और हमारे भगवान सुनील बंसल जी, तो उनके साथ उनका जुड़ा हुआ बीच का सिद्ध धर्मेंद्र प्रधान जी, आदरणीय मुकेश जी और शिव कुमार पाठक जी, मैं केवल आपके सपनों के जज्बों को, जज्बातों को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर क्षेत्र के 63 विधायकों को आपने वो स्ट्रक्चर दिया, आपने वो भावना दिया, आपने संवैधानिक हैसियत दिया, आपने संवैधानिक ताकत दिया, कहां पर है 4,000 करोड़? नौरंगिया से कप्तानगंज की सड़क के गड्ढे को कौन नहीं भूला होगा? कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि रामपुर गोनहा से सिसमा की दूरी के लिए मतरहवा पुल भी बनाया जा सकता है? कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि खड्डा नगर में ICPDS योजना के तहत, मरी हुई ICPDS योजना के तहत, मैं अपनी सरकार से पहले अन्य सरकारों के किसी भी विधायक को, मैं किसी भी विधायक को मैं निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि अगर आपने हमारे सरकार बनने के पहले किसी भी सरकारों ने, पूरे उत्तर प्रदेश के किसी भी विधानसभा के विधायक ने अगर 4,000 करोड़ के काम अपने 5 साल की अवधि में, 5 वर्षों की अवधि में अगर आपने कराया हो, सरकारी नीतिगत और संकल्प पत्रों के अलावा, तो आप से मेरा खुला आग्रह है, खुला निवेदन है कि आप लिस्ट हमें भेज दें। मुझे खुशी होगी कि मैं अपने विधानसभा खड्डा के साथ आपके यहाँ आपसे, आपके कार्यकर्ताओं से मैं सीखने की पद्धति के लिए आपके पास रहूंगा। मैं इस बात के लिए सिर्फ लाइव पे आया हूं कि इस बात का गुरेज नहीं है और इस बात का कहीं से भी अभिमान नहीं है, लेकिन मैं अपना स्वाभिमान बेच बेच कर करके, मेरे स्वाभिमान पर पत्थर फेंक फेंक कर करके, कौन सा गाना है जो उसे बोलता है कि वो, मुझे याद नहीं है, लेकिन वो मैंने अपने गरीब जनता को, अपने कमजोर जनता को, दबे कुचले अपनी असहाय पीड़ित शोषित जनता को, सिर्फ इसलिए मैंने अपने स्वाभिमान के साथ इसलिए बर्दाश्त किया कि आपके अंदर वो ताकत आएगी, आप बोलेंगे, आप चलेंगे, आप सीखेंगे, आप आवाज बनेंगे, आप एक जुट होंगे, आप इकट्ठा होंगे, इसलिए मैंने, आपने मुझे गाली दिया, आपने मुझे
नंगा किया, आपने मुझे जो मर्जी ले, जितनी मर्जी ले, जो मर्जी आया, जहां मर्जी आया, जैसे मर्जी आया, आपने मुझे खड़ा किया आपके बीच में एक असहाय आपका सेवक के सिलसिले में। जी हजूर, यस सर, यस बात, आप बोलिए क्या आपकी सेवा मैं कर सकता हूँ। इस नजरिए से आपने जब मर्जी लिया, जो मर्जी लिया, जैसे मर्जी लिया, मेरी माँ बहन मेरे परिवार के लोगों को आपने गाली दिया। मैंने सिर्फ ये कहा कि आपके अंदर आवाज़ बनेगा, आप अच्छे बनेंगे, आप ठीक बनेंगे, आप बोलना को सीखेंगे, आप एक तरफा इकट्ठा होंगे, आप एक साथ खड़े होंगे, इसलिए मैंने अपने शरीर पर, मैंने अपने स्वाभिमान के साथ आपको आपको तैयार किया। इसके पीछे एक ही दर्द है कि वो तैयार करने का जो जोश बना, वो तैयार करने के लिए जो आपने खड़े हुए, जो तैयार होने के लिए आप एकजुट हुए, और जितना मैंने अपने 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 शरीर पर आपको, आपके बाण को, आपके शब्दों का, जो मैंने आपके आशीर्वाद समझ करके उसे अंगीकृत किया, उसे मैं अपने झोले में रखा, उसे दिल में सजा के रखा, ठेस भी लगी तो मुझे आह तक नहीं निकला, ठेस भी लगी तो मुझे आह भी नहीं निकला, सिर्फ इसलिए कि आप एकजुट हो जाए, इकट्ठा हो जाए, बोलना सीख लें, आवाज बन जाए। मेरी पार्टी ने मुझे वहां पर भेजा, हमारी पार्टी हमारा जान है, हमारी पार्टी ने मुझे वहां भेजा, मैं आपकी 5 साल तक सौभाग्य मिला। हमारी पार्टी ने मुझसे कहा कि गोरखपुर क्षेत्र के सामाजिक संरचना के अनुसार जिन टोलों मोहल्लों गांवों में सामाजिक संरचना की से प्रभाव डालने के लिए हम सरकार बनाने में मदद कर सकते हैं, तो आज हम गोरखपुर क्षेत्र के 63 विधानसभाओं में सामाजिक संरचना के स्थितियों पर के अनुसार हम अपनी भारतीय जनता पार्टी के आदेश के अनुसार कार्य कर रहे हैं। हमारी पार्टी ने हमें कहा कि आप खट्टा जाइए, हमारी पार्टी ने मुझसे कहा कि आप वापस आइए, ये काम करिए, मैं वो काम कर रहा हूँ। मैं पार्टी के नीतियों सिद्धांतों और पार्टी के नीतियों और सिद्धांतों के अनुसार, मैं फिर एक बात दोहरा रहा हूँ कि विधानसभा खट्टा में सनीधाम रामपुर गुना भीम करोरी बाबा रामपुर गुना बजरंग बली रामपुर गुना और जिला कुशीनगर में दोनों जगह पर हमारे कार्यालय, और हम आपके बीच में गरीबों शोषित वंचित पिछड़ों के लिए मैं अपने खून का एक एक कतरा, 5 साल की मेरी विकास परक योजनाओं की का चक्र आपके लिए जान दे करके भी उसे कम नहीं होने दूंगा, कमजोर नहीं होने दूंगा। मैं विधायक नहीं हूं लेकिन आपका भाई हूं ना, मैंने बोला कि विधायक आपके बगल में आपका भाई कभी बदलता है क्या? तो जटाशंकर ने जो भाई आपके बीच में मुझे निवेदन है, मुझे गुजारिश है, मेरा आग्रह है, सच जमा पिला दीजिए, सच जमा पिला दीजिए। जो कुछ मुझे कहा गया, अगर वो मैं था, जो कुछ मुझे कहा गया अगर वो मैं था, तो आज जो हो रहा है वो कौन था? जो कुछ मुझे कहा गया अगर वो मैं था, तो आज जो हो रहा है वो कौन है? इसका मतलब आज जो है, जब हम नहीं है और आज वो हो रहा है, वही उस समय भी था, वही आज भी है, और वही विधानसभा खड्डा को बर्बाद करने के लिए आगे भी रहेगा। इसलिए मेरी गुजारिश है, जग जाइए, खड़े हो जाइए, इकट्ठा हो जाइए। हमारे अति गरीब, चाहे वो हमारा परिवार हो,
चाहे वो हमारा हिस्सेदार हो, चाहे वो हमारा पड़ोसी हो, चाहे हमारा भाई हो, और चाहे वो लोग हों जिन लोगों ने मुझे संकल्पित कर कर करके विधानसभा खड्डा की 4 लाख जनता के, अपने मुसहर भाइयों के लिए, अपने बाढ़ प्रभावित गाँव के लिए, अपने क्षेत्रों के लिए जिन लोगों ने मुझे संकल्पित कर करके वहाँ भेजा, मैं उनकी जज्बे को सलाम करते हुए, उनके प्रति प्रेरित होते हुए, उनके विश्वास और भरोसे की डोर को कभी कमजोर नहीं होने दिया, न कभी होने दूंगा, न कभी कभी कमजोर और कभी कम नहीं होने दूंगा। याद करना पड़ेगा हमारे भारतीय जनता पार्टी के भीष्म पितामह, एकलव्य, चाणक्य, द्रोणाचार्य और के लोगों को कि जिला भाजपा कुशीनगर में एकात मानववाद के एक दीपक को क्या मैं कहता था कि सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे। अपने हद को रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे। आज जो भी पार्टी के, दूसरी पार्टी के लोग आते हैं, कहते हैं हम विकास करेंगे। हम विकास करेंगे। हद हो गई। 75 वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं। विकास की अवधारणा का मतलब क्या है यह समझने की कोशिश करिए। मुझे चिंता हो रही है कि विधानसभा खड्डा में जो 26 नाले हैं, जिस 26 नालों की लड़ाई हम लड़ करके आए थे, उस 26 नाले जो नदी के पेट तक, जिससे लाखों हेक्टेयर जमीन बर्बाद हुई थी, उस नदी के नालों को पहुंचाने वाला भ्रष्टाचार मुक्त नेता कहां से आएगा? क्योंकि अब तक 75 वर्षों से विधानसभा खड्डा को, गरीब कमजोर को दबंगई से दबाया गया है, उसे शोषित किया गया, उसे लूटा गया है, उसे निचोड़ा गया है, उसके खून को पिया गया है। मैं अपनी जनता के 85 जो आपने मौका और सौभाग्य दिया, उसको मैं कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगा। मैं और मेरा खानदान, आप जानते हैं कि चितौनी नगर पंचायत में जो 100 बेड का अस्पताल में 72 बेड का अस्पताल वहां तैयार हुआ है, और 14 बेड का अस्पताल तुरकहा में और 14 बेड का अस्पताल कुटवा में खड़ा होगा। कुल मिलाकर के 72 वहां, 14 वहां, 14 वहां, 100 बेड का अस्पताल पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 60 जगहों पर वो अस्पताल बना है। क्यों नहीं, अब तक क्यों नहीं किसी ने यह मर्म को देखा और समझा और दर्द को पुकारा? मेरी चाहत थी कि मैं पक्का पुल बनाऊंगा, मेरी चाहत थी कि सोगी बरवा को इको टूरिज्म से जोड़ूंगा, मेरी चाहत थी कि पनिहवा को मैं ऐसा स्वर्ग बनाऊंगा कि कुशीनगर में आने वाला हर शख्स जैसे न्यूयॉर्क जाके नियाग्रा जाता है, उसी तरह से हर शख्स पनिहवा आने के लिए मजबूर होगा। इतना बड़ा पर्यटक केंद्र प्रकृति ने, हमारे नेचुरल संसाधन ने जो दे रखा है, उतना अभी पूर्वी उत्तर प्रदेश की किसी कोने में कहीं है नहीं। मैंने सोचा था कि सिद्धपीठ बघई धाम को अगर पर्यटक केंद्र में बदल देता हूं, तो सिद्धपीठ बघई धाम के 1 किलोमीटर के इलाके में चारों तरफ सड़कें होंगी। मैंने कहा था कि एयरपोर्ट से लेकर के महाराजगंज तक 4 लेन की सड़कें मैं बनाऊंगा। और जो मैंने कहा है उसको आप रख लीजिए, यथार्थ में रख लीजिए।
और आरटीआई डालकर करके इन बातों को पता कर लीजिए कि किसी भी फाइल के लिए जटाशंकर त्रिपाठी का पन्ना कहाँ घूम रहा है। फाइल के कवर, फाइल के नंबर, फाइल के डेट, फाइल के फाइल की एक एक सीढ़ी के स्टेज के स्थितियों पर आप पता करिए। और मेरा सपना था कि पटना से लेकर के वाल्मीकि नगर तक पानी की जहाज से धुलाई करवाऊंगा, उसकी भी स्थिति पे हम 50% से ज्यादा आगे बढ़ चुका हूं। कागज कभी मरता नहीं है, कागज कभी मरता नहीं है। झूठ बोलने वालों की कवायद में हमारी जनता, दबी कुचली जनता जो कभी आवाज नहीं बन पाती है, वो बोल नहीं पाती है, चीत्कार नहीं कर पाती है, आवाज नहीं बन पाती है, अपनी संवेदनाओं को कलेजे में दबा कर करके दब जाती है। और कुछ कुछ लोग, ये कहावत कही गई है, एक महिला थी जी रो आटा गूंथ रही थी, एक महिला थी जो आटा गूंथ रही थी, एक महिला थी जो रोटी तैयार कर रही थी, एक महिला थी जो तावे पर रोटी तैयार कर रही थी, बना रही थी, और वह अपने बच्चों को रोटी खिला रही थी। लेकिन उसी के बगल में कुछ लोग थे जो उस रोटी से खेल रहे थे। कुछ लोगों को मुगालता है, कुछ लोग मुगालते में हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही नहीं हूं। अरे भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान सिपाही हूं, क्यों? उन्होंने कहा था कि आप, हम गठबंधन में दे रहे हैं, आप उस सीट को ले लीजिए। मैंने कहा नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़ कर करके माननीय शिव प्रताप शुक्ला का मैं खून हूं। उन्होंने 14 साल तक किसी गोरखपुर में वनवास झेला था, लेकिन कभी वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके नहीं गए। मैं पूरे 20 वर्षों तक वनवास झेलने को तैयार हूं, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को इतर और जिला कुशीनगर और विधानसभा खट्टा और जिला कुशीनगर के 30 लाख जनता को छोड़ कर करके हम कहीं भी इतर जाने वाले नहीं हैं। और अगर जो शख्स भीख मांग कर करके 30 करोड़ रुपए तक का एयर कंडीशन अस्पताल, जिसपे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और उनका आशीर्वाद, लेकिन भीख मांग कर करके दूसरे जगहों से कह कर करके लगभग लगभग 30 करोड़ रुपए तक का एक नया अस्पताल की संरचना खड़ा कर सकता है, उस 100 बेड के अस्पताल को अपनी जिंदगी समझिएगा, उसको इतना प्यार करिएगा उस अस्पताल को जिसके बाथरूम में गीजर लगा हुआ है। दुनिया में हर जगह, चाहे वो अरस्तो हो, चाहे लेनिन हो, चाहे प्लेटो हो, दुनिया में हर जगह आवाज बनती है, आवाज को दबाया जाता है। आप आवाज बनिए, मेरे सम्मान को, 5 वर्षों तक मेरे स्वाभिमान को जिस तरह से वहां के कुछ कथित 10-12 लोग जिस तरह से हमारे स्वाभिमान को रौंदा है, उस स्वाभिमान को मैंने सिर्फ इसीलिए बर्दाश्त किया है कि आपको तकलीफ ना हो। आप मेरे बारे में मेरी सहजता को, मेरी संकल्पना को, मेरे विचार को कभी आप किसी और इस वजह से मैंने इसलिए बर्दाश्त किया कि आप तैयार हो जाएंगे। मुझे आशा और विश्वास है कि आप तैयार हो गए होंगे, और मेरा स्वाभिमान और अभिमान
विधानसभा खड्डा में बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। 100 मैं पुनः आपके बीच में लगातार समय समय पर लाइव के सहारे आता रहूंगा, आपके चरणों में। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय अमित शाह जी और आदरणीय सुनील बंसल जी, आदरणीय मुकेश जी और आदरणीय शिव कुमार पाठक जी, और स्मृतियों में रहने वाले उस समय के क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र दत्त शुक्ला जी को की चरणों में बार बार वंदन नमन करते हुए इतिहास के पन्नों में। अरे मुझे तो बड़ी बड़ी अजीब सी हास्यपद हंसी आती है कि छोटी सी गंडक नदी क्रांति पुल पर बैठी हुई थी, उसमें केवल 3 पीपा का पुल लग सकता था, और मतलब 75 बरस लग गया लोगों को सोचने में, वहां के नेताओं को 75 बरस लग गया यह सोचने में कि क्रांति पुल पर भी पीपा का पुल लगाया जा सकता है। क्यों नहीं उनके अंदर दर्द उभरता है कि उस पर एक मजबूर गरीब चलता है, एक मजबूर दिव्यांग आता है, एक मजबूर किसान वहां से खेती करते हैं, एक मजबूर गरीब आदमी, एक गर्भवती महिला इस रास्ते से आर पार होती है, एक बच्चा स्कूल जाता है। ये भावनाओं की ये भावनाएं कहां चली गई थी, किस जगह चली गई थी लोगों के अंदर। हम आपके संवैधानिक मान्यताओं की अंतिम कड़ी के समय तक 31 मार्च तक मैं आपके साथ हूं। संवैधानिक मान्यताओं के उपरांत उत्तर प्रदेश के जिला भाजपा कुशीनगर और गोरखपुर क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के एक छोटा सा कार्यकर्ता, छोटा सा सेवक बनकर करके इस कमल की आन बान शान को, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की एकात्म मानववाद को और महात्मा गांधी के स्वराज को कहीं भी कलंकित नहीं होने देगा। और फिर मैं एक बार फिर एक सवाल बार बार मैं आपके सामने छोड़ रहा हूं कि आज जो कुछ भी हो रहा है, जिसके लिए मुझे कलंकित किया गया है कुछ लोगों के द्वारा, तो अगर आज भी वो हो रहा है तो कौन है वो? आज भी अगर हो रहा है तो कौन है वो? और अगर आज हो रहा है और वो है जिसके पहले भी जो था वह वही था, इस वजह से मैं आपके बीच में इस बीच रहूंगा। 3 मार्च के बाद मैं अपनी पूरी कार्यालय और दल बल के साथ आपकी सेवा के लिए जिले के अंदर उपस्थित रहूंगा। सनी धाम रामपुर गुन्हा भगवान से आपके साथ निवेदन करते हुए आग्रह करूंगा। और अंत में, या चूंकि अंत नहीं है, मैं कोई धन्यवाद इसलिए नहीं दूंगा कि धन्यवाद दूसरे को दिया जाता है। जब आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं, तो धन्यवाद का कोई असर नहीं पड़ता है। धन्यवाद उनको दिया जाता है जिनका कर्जा उतार दिया जाता है। मैं आपको धन्यवाद नहीं दूंगा, क्योंकि आपके द्वारा जो इस जटाशंकर के ऊपर जो सौभाग्य का मौका मिला है, उस धन्यवाद को मैं कर्जे के तौर पर अपने दिल जिगर जान में रखता हूं। और रखते हुए उस कर्जे को सूद समेत जब तक सांस रहेगी तब तक हम उतारते रहूंगा, क्योंकि विधानसभा खट्टा के गरीब शोषित मजबूर की आवाज
जटाशंकर का परिवार लगातार बने रहेगा। और एक बार पुनः फिर भी कहीं से भी मनुष्य हूं भगवान नहीं हूं, मनुष्य हूं भगवान नहीं हूं, लेकिन कहीं से भी किसी भी प्रकार से मेरे मन वचन से हृदय से मन की शुद्धता के साथ आज मैं फिर से मैं कह रहा हूं कि आज मैं पुनः आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अगर कहीं से भी किसी भी तरह से इन 5-7 वर्षों में 365 दिन मैंने हाजिरी लगाई है, 365 दिन मैंने हाजिरी लगाई है, दुनिया में ये संभव नहीं है, किसी से भी संभव नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ अपने 5 महापुरुष 5 लोगों के विश्वास और भरोसे को जमीन पर उतारने के लिए, उनके भरोसे पर कहीं से भी एक काला स्पॉट न पड़े, इसलिए मैंने 365 दिन 24x7 सिर्फ विधानसभा खड्डा मेरे जेहन में मेरे रहा है। मैं जानता हूं इतना लंबा किसी के पास इतना समय नहीं है कि मेरे साथ इस लाइफ में जुड़े रहे या उसको आगे ले जाए, लेकिन मैं फिर एक बार हाथ जोड़ कर करके, सर झुका कर करके आप सब लोगों की चरणों में बार बार प्रणाम करता हूं कि अगर हमारे मन से हृदय की शुद्धता, मन की शुद्धता, वचन की शुद्धता के साथ मैंने आपके साथ अपनी जिंदगी दिया है, जिसमें भी कहीं से भी किसी भी प्रकार का अगर आपको हल्का सा भी ठेस पहुंचा हो, तो मैं अपना आपका भाई, अपना सेवक, अपना बेटा और अपना दुलंगा समझ कर करके हमें आप माफ कर देंगे। हमें माफ करने का मतलब है कि आपने हमको और भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों को माफ कर दिया जिन लोगों ने मुझ पर विश्वास और भरोसा कर करके आपके बीच में सेवा करने के लिए मुझे भेजा है। और फिर मैं अनुग्रह करूंगा, आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ कर करके आपसे विनती करूंगा कि 5 वर्षों से जो मेरे स्वाभिमान पर लोगों ने, 5 वर्षों से मेरे स्वाभिमान के साथ जिन लोगों ने खेला है, और अगर आज भी वो उस तरह की स्थिति हो रही है, तो अगर उस समय में मैं कर रहा था तो आज जो हो रहा है वो कौन कर रहा है, उसका जवाब अगर आप दे सकें तो मुझे बड़ी खुशी होगी, लगेगा कि दुनिया में विकास की कोई इज्जत है। जिस विकास के दावे इन दिनों विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि विकास किया जाता है, विकास करेंगे, विकास करूंगा, उस विकास की इज्जत के लिए मेरा हाथ जोड़ करके आपसे आग्रह और निवेदन है कि मुझे क्षमा करते हुए आप मेरे स्वाभिमान की इज्जत को रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। कल पुनः मिलता हूँ 8:30 बजे आपके सी चरणों में सी झुका कर करके जटाशंकर का प्रणाम, नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।